हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस छोटे से शो पे जिसका नाम है शॉर्ट टॉक्स विद न्यूट्रिशनिस्ट अर्पित। तो आज का हमारा टॉपिक है कि वे प्रोटीन पाउडर और मास ग्रेनर पाउडर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ वे प्रोटीन पाउडर से। वे प्रोटीन पाउडर जो है वो प्योर प्रोटीन होता है, और जो मास ग्रेनर पाउडर्स होते हैं मार्केट में वो एक तरीके का मिक्सचर होता है। उसमें आपको वे प्रोटीन पाउडर मिलता है, उसमें आपको सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर मिलता है, और उसमें दूसरे आपको फाइबर्स और मल्टीविटामिन्स वगैरह भी मिलते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये दोनों का हमारी बॉडी में क्या वर्किंग है। वे प्रोटीन पाउडर का हमारे बॉडी में जो सबसे पहला वर्किंग है वो है हमारे मसल्स को रिपेयर करना। जब हम जिम जाते हैं, वहां पे हम जब एक्सरसाइज करते हैं, तो वहां पे हमारे मसल्स एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फट जाते हैं, और उनको वापस से जुड़ने के लिए जो रिपेयरिंग का काम करता है, वो होता है प्रोटीन। ठीक है, अब बात करता हूं मैं मास ग्रेनर की। मास ग्रेनर का हमारी बॉडी में जो वर्किंग है वो सबसे पहला जो उसका वर्किंग वो है बॉडी फैट चढ़ाना, प्लस दूसरा जो उसका वर्किंग है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन भी मिक्स होता है, मसल्स को रिपेयर करना, लेकिन एक हद तक, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन कि किस क्वालिटी का उसमें वे प्रोटीन उन लोगों ने पर्टिकुलर कंपनी ने ऐड किया है, उससे हमें मालूम पड़ता है कि कितना जल्दी वो रिपेयर करने वाला है या कितना स्लो रिपेयर करेगा मसल्स को। अब मैं एक और बात बताना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मास ग्रेनर का सबसे पहला वर्किंग हमारे बॉडी में होता है फैट गेन करना। जब आपकी बॉडी में बॉडी फैट गेन होगा, आपके मसल्स के ऊपर जो टिश्यूज होते हैं, ये जिसको मैं पिंच कर पा रहा हूं, ये अपने एडिपोस टिश्यूज होते हैं, फैट के टिश्यूज, और जस्ट इनको टिश्यूज को आप हटा दो और इनके नीचे आपको मिलेगा प्योर मसल मास। तो होता ये है कि जब हम मास गेनर लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाके उस मसल के ऊपर फैट की लेयर जमा करना स्टार्ट कर देता है, साथ ही साथ कुछ हद तक, कुछ परसेंटेज तक मसल रिपेयरिंग भी करता है, जिससे हमारे मसल्स भी थोड़े बहुत ग्रो करते हैं। अब जब आपकी बॉडी पे फैट की एक लेयर जमना स्टार्ट होगी मास गेन लेने के बाद, तो ऑब्वियसली आपका जो वेटिंग स्केल रहेगा वहां पे आपका वेट बढ़ा हुआ दिखेगा। तो जिनके भी नॉर्मली जो मतलब जिम वगैरह में जो न्यू कमर्स होते हैं, नए बच्चे होते हैं जो जिम वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग यही ही उनके दिमाग, अगर वो बहुत ज्यादा पतले हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहली चीज यही होती है कि यार वेट गेन करना है। तो वो वेट गेन करने के पीछे उनका जो होता है रीजन, तो उसके लिए ज्यादातर मोस्टली लोग उनको मास गेनर लेने के लिए बोलते हैं, जो कि बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं सलाह नहीं दूंगा, और मेरे जैसे जितने भी दूसरे हैं मार्केट में जो इन सब के बीच में फर्क जानते हैं कि वे प्रोटीन ज्यादा अच्छा रहता है या मास गेनर, तो वो भी यही बोलेंगे, यही सलाह देंगे कि मास गेनर लेने से अच्छा है कि हम वे प्रोटीन पाउडर लें। वे प्रोटीन पाउडर लेने के पीछे मैं रीजन ये दूंगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इस जो लेयर है एडिपोस टिश्यूज के नीचे मसल्स होते हैं, वे प्रोटीन जब आप लोगे एक्सरसाइज करने के बाद, तो डायरेक्ट जाके आपका मसल को स्टिच करेगा, यानी उसको रिपेयर करेगा और उसको ग्रो करने में हेल्प करेगा। जब मसल ग्रो होगा, जैसे कि मैंने अपने कुछ पहले के वीडियो में बताया कि मसल गेन करना थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है, जब आपका मसल गेन होगा तो थोड़े टाइम बाद आप जब वेटिंग स्केल पे देखोगे तो आपका वेट ऑब्वियसली बढ़ता चल जाएगा टाइम के साथ। अब अगर मैं आपको बताऊं इन दोनों के प्राइसिंग के बीच में, तो मास ग्रेनर ऑब्वियसली बहुत सस्ता मिलता है और वे प्रोटीन उससे थोड़ा महंगा होता है। अगर आपको 1000 रुपए में मास ग्रेनर मिल रहा है, तो वहीं आपको 1500-2000 रुपए तक, एक एग्जांपल है, 1500-2000 रुपए तक वे प्रोटीन मिल जाएगा। इन दोनों के बीच में लोग जो होते हैं वो यही देखते हैं कि यार ये सस्ता ये क्यों ना लो, ये महंगा इसको ना लेना ही सही होगा। जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन दिया कि अगर आप मास ग्रेनर लोगे तो आपका बॉडी का फैट बढ़ाएगा,
ज्यादा, मतलब यूं समझ लीजिए 70-50% वो आपकी बॉडी का फैट बढ़ा रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं वे प्रोटीन की, तो वे प्रोटीन आपका बॉडी में मसल गेन करने का काम कर रहा है, जो कि फ्यूचर में आपका जो ऑब्वियसली आगे जाके आपके लिए वो मेन गोल आपका यही हो जाएगा कि हमें मसल मास गेन करना है, जो कि अच्छी चीज है। आपको एक्टिव रखेगा, आपको और वेट उठाने में हेल्प करेगा, डे टू डे लाइफ में आपको वीकनेस फील नहीं होगी। मास गेनर आप अगर लेते हो तो जैसे मैंने आपको बताया कि फैट गेन भी होगा आपका बॉडी में, तो फ्यूचर में जाके आपको मास गेनर तो वैसे भी बंद करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बॉडी में काफी जगह पे फैट गेन हो जाएगा, और फैट गेन करने के लिए फिर आपको कोई ना कोई बढ़िया सजेशन देगा, और फिर आप वापिस से एट दी एंड वे प्रोटीन पर ही आओगे। तो इससे अच्छा है कि आज आप मास गेनर में इन्वेस्टमेंट ना करके डायरेक्ट प्रोटीन में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके फ्यूचर रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपको। क्योंकि मास गेनर में, जैसे मैं आपको वापिस से बता रहा हूँ, मास गेनर आप लोग आपकी बॉडी में फैट चढ़ेगा, और फ्यूचर में जाके फैट इतना हो जाएगा कि आप सोचोगे कि यार अब चलो कटिंग पे जाते हो। कटिंग के लिए लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि वो प्रोटीन रिच फूड खाते हैं या वे प्रोटीन वगैरह ज्यादा लेते हैं। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिए कि, और पैसों के बारे में मत सोचिए। मास गेनर की अगर मैं बात करूं, मास गेनर का स्कूप साइज बहुत बड़ा होता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है वो 1 किलो का डिब्बा की अगर मैं अगर बात करूं। वहीं अगर वे प्रोटीन की 1 किलो के डिब्बे की बात करूं, तो अगर आप की पूरी ओवरऑल डाइट बराबर है अगर, तो और दिन का आप एक ही स्कूप अगर ले रहे हो, तो 33 डेज से 30 दिन तक वो आपका एक पर्टिकुलर 1 किलो का वे प्रोटीन का डिब्बा चल जाता है। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, हम मिलते हैं अगले हमारे कोई टॉपिक को लेते हुए, और जब तक ले थैंक यू।